रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव एएलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। हेलो दोस्त, रेलवे एएलपी परीक्षा 1/18 जिसमें प्रश्न पत्र के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं लोगों का, और हर व्यक्ति का कमेंट का जवाब देना इतना पॉसिबल नहीं है। एक ही प्रश्न कम से कम 5 से 10, 20, 25, 50 बार रिपीट होते हैं, लोगों का नाम बदल जाता है लेकिन प्रश्न एक ही रहता है। इसलिए यहाँ पे एक साथ मेन इंपॉर्टेंट जो कमेंट है उसको लेके आए हैं आपके साथ। कमेंट आप ही का है, क्वेश्चन आप ही का है, बस आंसर देने की प्रयास करेंगे। पहला कमेंट है, RRB इलाहाबाद में 4th लिस्ट में मेरा नाम नहीं था जबकि ई कॉल लेटर उसी शेड्यूल में शो कर रहा है, क्या करना है, कन्फ्यूजन हो गया, ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्त, सबसे पहला कमेंट की जवाब यही रहेगा कि आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। PDF सबसे मेन एक्यूरेट होता है, कभी भी जब PDF आपको वेबसाइट पे जो शेड्यूल दिया है उसको फॉलो कीजिए, उसमें अगर नाम नहीं है तो आपका जो ई कॉल लेटर है ये चेंज होगा, यानी बदल जाएगा जब अभी अपडेट होगा। तो हम इतने जागरूक हो गए हैं कि हमें लगता है कि वैकेंसी 2 दिन में हमें मिल जाए और जॉब जल्दी से ज्वाइनिंग हो जाए और नौकरी करना शुरू कर दें, बस यही इच्छा होती है, ये हमारा पर्सनल एक्सपेक्टेशन होता है। लेकिन जब भी आप RRB की टर्म में देखेंगे तो उनके लिए सारे कैंडिडेट एक जैसे हैं, सबको बारी बारी से उसको प्रोसेस को पूरा करनी होती है। जब तक वो प्रोसेस पूरा नहीं होता तब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती, यानी पैनल लिस्ट में नाम आने से लोग कहते हैं कि मेरा ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है। जब तक ट्रेनिंग स्कूल की व्यवस्था नहीं होगी तब तक आपको पैनल लिस्ट से ज्वाइनिंग की बात ही नहीं किया जाएगा, हो सकता है उसमें कुछ और भी चल रहा हो इस कारण से। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने बात है, जिनका ई कॉल लेटर आ चुका है उन्हें अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी ये अपडेट हो रहा है, आप जल्दी देख रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है कि मेरा डेट 20 तारीख को ही आ गया है, 20 अगस्त को, जबकि 27-28 अगस्त तक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसमें मेरा नाम नहीं था। तो समझ गए होंगे ये सारा, ई कॉल लेटर अपडेट हो रहा है, अभी पूरी तरह से आपको फाइनल नहीं किया गया है। इसके लिए अभी वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे तो आपको दिखेगा ही, लेकिन जब PDF में नाम आ जाएगा उसके बाद आप तैयार रहिएगा, रेडी। अगला प्रश्न है दूसरे कैंडिडेट का कि ELP का कट ऑफ पार नहीं किया, वेटिंग में है ELP का या टेक्नीशियन का कट ऑफ में है? तो मैं इस सवाल का कम से कम 200 बार जवाब लोगों का दे चुका हूँ, एक वीडियो भी वेटिंग लिस्ट का बना दिया था और ये भी बता दिया था कि मेरा सिलेक्शन किस पोस्ट के लिए हुआ है, वो भी वीडियो बना हुआ था। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा ही कमेंट आता है और मुझे भी ये बात में लगता है कि कैंडिडेट अपनी अपनी प्रिफ्रेंस को देखते हैं, हो सकता है कुछ वीडियो नहीं देखते हों जिसके कारण उन्हें जानकारी नहीं पता हो, अगर जानकारी भी हो गई तो वो पर्सनली चाहते हैं कि मुझे बताइए ये क्या हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी पोस्ट प्रायोरिटी ध्यान दीजिएगा क्या था, पोस्ट प्रायोरिटी आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार थी, उसमें अगर 30 में से आपने 30 पोस्ट प्रायोरिटी सेलेक्ट कर रखा है, किसी ने 10 कर रखा है, किसी ने 5 कर रखा है, किसी का 1 ही है, किसी का 2 है, कितनी भी आपने पोस्ट प्रायोरिटी क्लियर कर रखा है उसमें से किसी का कट ऑफ आप क्रॉस करते हैं, किसी की भी, इवेन लास्ट वाला या फर्स्ट वाला या कहीं भी, तो आपका नाम मेन लिस्ट में होगा ना कि वेटिंग लिस्ट में। वेटिंग लिस्ट में वैसे कैंडिडेट को रखा जाता है जिनको किसी भी प्रायोरिटी में आपका नाम नहीं है। तो सिंपल सी जवाब है कि अगर ELP के कट ऑफ पार किए हैं तो आपका वेटिंग लिस्ट तभी होगा जबकि आपकी पोस्ट प्रायोरिटी एक ही हो, यानी आपने डिप्लोमा किया है और आपका 10+2 PCM नहीं है, केवल ELP ही था, तो आपका काम नाम किस में जाएगा, वेटिंग लिस्ट में जाएगा। लेकिन आपने ITI किया है या आपके साथ PCM भी था और कट ऑफ और किसी न किसी का पार किसी कारण से कर रहे हैं तो आपका नाम उस टेक्नीशियन में गए मेन लिस्ट में चला जाएगा, या सिंपल वे में बोलें तो आपने जितने भी पोस्ट प्रायोरिटी सेलेक्ट किया था 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके 50 तक या जितनी भी हो, उसमें किसी भी का कैटेगरी का आप कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आपका नाम मेन लिस्ट में है, नहीं तो आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है, सिंपल सी बात है। अगले प्रश्न में चलते हैं, अगला प्रश्न लोगों का बहुत भाविक रूप से था कि ELP का कट ऑफ पार ही नहीं किया मैं, फिर भी A1B1 मेडिकल कैन लिया जा रहा है, खास करके A1 कैन लिया जा रहा है। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी RRB चेन्नई से, थोड़ी सी आप पीछे जाएंगे तो RRB चेन्नई में एक डॉक्टर ने लिख के भेजा गया था आपको मेडिकल के लिए कि A1 लेना है,
तो लोगों ने बोला मैंने तो टेक्नीशियन भी भरा था, क्यों ए वन लिया जाता है, जबकि रेलवे का मेडिकल शेड्यूल ये कहता है कि आपकी पोस्ट कौन सा मिलेगी ये निर्धारित होगा आपके मार्क्स से, लेकिन आप किस में फिट है, ए वन में फिट है, बी वन में फिट है, सी वन में फिट है या किस में भी फिट है, वो डॉक्टर को लिखना अनिवार्य होता है। यानी आप अगर आपको किसी की मेडिकल देने जा रहे हैं, मान लीजिए आपने एलपी की मेडिकल लेने जा रहा है आपको, लेकिन अगर आपकी ए वन फिट नहीं है तो डॉक्टर लिखेगा ए टू है, आपको डॉक्टर लिखेगा कि बी टू है, बी वन है या सी वन है, ये कंडीशन लिखना होता है। इसलिए आरआरबी ने ये पहले से ही लिख दिया है, जितने भी साइको क्वालिफाई कैंडिडेट हैं, क्या हैं, साइको क्वालिफाई कैंडिडेट हैं, सब पे ए वन डाल दिया है, चाहे आपने कट ऑफ पार किया है या वेटिंग में है या नहीं है। यानी एक ही क्राइटेरिया रखा गया है, जो कैंडिडेट साइको पास है उसमें ए वन डाल दिया, जो कैंडिडेट साइको की वेटिंग लिस्ट है और वेटिंग लिस्ट में भी नहीं है, टेक्नीशियन की लिस्ट में है, साइको क्वालिफाई है, उनको भी ए वन लिया जा रहा है। लेकिन वैसे कैंडिडेट जिन्होंने साइको डिसक्वालीफाई किए हैं या साइको देने नहीं गए हैं, उनका किसी का ए वन नहीं मिलेगा, ऐसा नोट किया गया है कि जिन्होंने साइको का टर्म में आए हैं उनको ए वन में डाला गया है। अगले सवाल के जवाब में चलते हैं, तो अगला सवाल चार नंबर है, लोगों का सवाल है, बहुत उपेक्षाएं हैं, उम्मीद है कि वेटिंग लिस्ट में हूँ तो मुझे भी तो जॉब मिलनी चाहिए, मिलेगी लेकिन टाइम लगेगी, और कितना मिलेगी ये आरआरबी पे डिपेंड करता है, कितने लोग मेन लिस्ट में खाली होंगे। लेकिन सवाल लोगों का है कि ओबीसी एससी एसटी का सिलेक्शन यूआर में हो रहा है, कोलकाता का आपने रिजल्ट देखा, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग किए हैं, यूआर में सिलेक्शन हो गए हैं, तो अब लोग कह रहे हैं कि क्या ओबीसी एससी एसटी का सीट खाली हो गया है क्या, वेटिंग लिस्ट वाले को इसमें लिया जाएगा क्या। तो ध्यान देने वाली बात है, जब आप रिजल्ट आया था, जब आपका डीवी का रिजल्ट आया था, उसी समय आप देखेंगे तो जो कैंडिडेट अभी यूआर में देख रहे हैं ना, ये कैंडिडेट पहले ही यूआर में थे डीबी के समय भी, और ओबीसी में जितनी पोस्ट थी, एससी की जितनी पोस्ट थी, एसटी की जितनी पोस्ट थी, उतना कैंडिडेट ऑलरेडी मेन लिस्ट में हैं। ऐसा नहीं है कि ये मेन लिस्ट अलग से उछल के या ओबीसी एससी से यूआर में जा रहे हैं, ये जब जा रहे थे, जब मेरे रिजल्ट आया था उसी समय गए थे, और इनकी कंडीशन क्या थी कि सीबीटी वन और सीबीटी टू दोनों में आपको यूआर की क्वालिफिकेशन पार करनी चाहिए, यानी मार्क्स पार करनी चाहिए, और आपका एज का बेनिफिट आपने नहीं लिया है तो आपको ये पोस्ट मिल सकता है यूआर वाला। तो ध्यान देने वाली बात है कि जितना यूआर में अभी कैंडिडेट हैं, जिनका लिस्ट में नाम आ रहा है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही आया है, अलग से नहीं आया है कि ओबीसी वाले कैंडिडेट यूआर में जा रहे हैं। ओबीसी की लिस्ट जो बनी है उसमें उतना ही कैंडिडेट है जितनी पोस्ट है, एससी की जितनी कैंडिडेट है उतना ही है जितनी पोस्ट है, उसी तरह एसटी की भी उसी तरह से है। तो ध्यान देने वाली बात है कि यूआर में जाने से अभी ओबीसी की सीट खाली नहीं हो रही है, समझ गए होंगे, सिंपल सी बात है। तो खाली कब होती, जब ये पहले से ये सिलेक्शन नहीं होता कि आपका सिलेक्शन किस में है, यहाँ क्लियर कम्युनिटी वाई कट ऑफ दिया हुआ है, यूआर का अलग है, आपका ओबीसी का अलग है, एसी का अलग है, एसटी का अलग है, यानी सबके लिए अलग अलग कट ऑफ है। यानी सब में यूआर में अगर 100 वैकेंसी है तो 150 लोग यहाँ ऑलरेडी यूआर में हैं, चाहे ये एससी की हैं या एसटी की हैं या ओबीसी कम्युनिटी के हैं या एक सर्विसमैन है या पीडब्ल्यूडी है, ये सारे कैंडिडेट ऑलरेडी फिक्स हैं, अभी कोई सीट खाली नहीं हुआ है। खाली कब होती है, जब आपकी मेडिकल में कोई प्रॉब्लम आएगी या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लीव करेगा या कोई कैंडिडेट ज्वाइनिंग करने नहीं जाएगा, ये तीन मेन कंडीशन है, तीनों कंडीशन अगर होता है तब आपको वहाँ से वेटिंग लिस्ट की बारी आएगी। तो समझ गए होंगे, अगली बात आपके पास है जिसमें पूछ रहा है, लोगों का सवाल है कि अभी तक किसी का वेटिंग लिस्ट में पैनल में नाम आया है क्या। तो दोस्त, सबसे पहले आपने देखा होगा हर पैनल लिस्ट की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब जो आती है ना, नॉर्मल पैनल लिस्ट जिसको प्रोविजनल पैनल लिस्ट कहते हैं, इसमें नॉर्मली कैंडिडेट उन्हीं कैंडिडेट को लिया जाता है जो मेन लिस्ट में ऑलरेडी है। अगर वेटिंग लिस्ट से पैनल नाम दी जाती है प्योर रूप से, ध्यान दीजिएगा प्योर रूप से, मिश्रित नहीं, कई बार एक आध मिक्स भी की हो जाते हैं, जैसे इस बार क्या होगा, अगर कुछ कैंडिडेट मान लीजिए कि डीबी में ही नहीं जाते हैं या मेडिकल फेल पहले ही हो जाते हैं, उनको सेकंड या थर्ड पैनल में किसी किसी आरआरबी में शामिल किया जाता है, लेकिन अभी तक किसी भी पैनल में वेटिंग लिस्ट का नाम नहीं आया है, ये क्लियर है। और जब
आपकी मेल लिस्ट सीट भर जाएगी, उसमें कोई ज्वाइनिंग नहीं करेगा, तब आती है वेटिंग लिस्ट की बारी और इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट पैनल या दूसरी पैनल के नाम से आती है, प्रोविजनल पैनल का नाम हट जाता है, इसको रिप्लेसमेंट पैनल बोलते हैं। अब ये सवाल उठता है कि प्रोविजनल पैनल में भी कोई कैंडिडेट आता है क्या वेटिंग लिस्ट से, तो बिल्कुल आता है उस कंडीशन में जब किसी RRB ने ये डिक्लेयर कर दिया हो कि DB में ये 50 कैंडिडेट ऑब्सेंट हुए और इसकी कैंडिडेटर कैंसिल हो गई, उसके बदले आपको प्रोविजनल पैनल में वेटिंग लिस्ट से लिया जा सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा ALP में किसी RRB से ये कैंडिडेट का कैंसिल लिस्ट नहीं आया है, चाहे DB का हो या मेडिकल का हो, तो कह सकते हैं अभी तक वेटिंग लिस्ट का पैनल में किसी का नाम नहीं आया है। तो आपका भी ऐसा था प्रश्न, तो मिल गया होगा जवाब, अगर नहीं मिला तो ध्यान दीजिए, चैनल तो चालू है और आपका कमेंट भी चालू है। थैंक यू, धन्यवाद।